हमें आपको पिछले क्लास में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए थे, बहुत सारे फिजिकल मेथड डिस्कस किए थे। आज हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के केमिकल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है मोलारिटी। आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन मोलारिटी पे होगा। मोलारिटी इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एन। बच्चों इस मोलारिटी को समझने से पहले आप लोग पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे और तब इस मोलारिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मोलारिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलारिटी। अगर आप वॉल्यूम लीटर में लोगे तो सॉल्यूट के कंसेप्ट सॉल्यूट के अमाउंट को मोल में एक्सप्रेस करना है, और अगर हम वॉल्यूम को सीसी में लेंगे सॉल्यूट के अमाउंट को मिली मोल्स में एक्सप्रेस करेंगे। बच्चों आपको यह पता होना चाहिए 1 mole इज इक्वल टू 1000 millimoles। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग इसके फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। किस फॉर्मूला से हम लोग मोलारिटी को फाइंड आउट करेंगे? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां हमको वॉल्यूम लेना है लीटर। इस फॉर्मूला से हम लोग मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूला को सिंबलाइज भी करते कर सकते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल एन, मोल का सिंबल होता है एन, और सॉल्यूट के लिए हम लोग सिंबल यूज करने जा रहे हैं एनबी। एनबी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम को हम लोग सिंबलाइज करेंगे वी से। यहां हम लोग को वॉल्यूम लीटर में लेना है, इन लीटर। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां आपका एनबी जो है, वेयर एनबी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों अगर हम यहां वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेंगे तो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाए? एन इज इक्वल टू एनबी अपॉन वी इन मिलीलीटर। यहां आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में देगा और आपसे पूछेगा उस सोल्यूशन का मोलारिटी फाइंड आउट कीजिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वॉल्यूम लीटर में देगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये भी बता चुका हूं मोल निकालने का क्या फॉर्मूला था, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एन। चूंकि बी यहां सॉल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट करता है तो यहां डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख रहे हैं। डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इस वैल्यू को इस ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम डाल देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होगा? एनबी के जगह ये जो एनबी है इसके जगह हमको डालना है डब्ल्यू बी अपॉन एनबी, डब्ल्यू बी अपॉन एनबी। यहां जो एनबी है यहां भी डाल सकते हैं आप, यहां भी डाल सकते हैं। यहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। ज्यादातर इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, डब्ल्यू बी अपॉन एनबी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर।
इसमें आपको इन सारे टर्म्स को समझना है. डब्ल्यू बी इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. बच्चों हमेशा हम सॉल्यूट के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं बी. बी रिप्रेजेंट सॉल्यूट. एम बी व्हाट इज एम बी? एम बी रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एंड एम कैपिटल एम रिप्रेजेंट बट मोलारिटी. बच्चों ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया मोलारिटी का. हम लोग मोलारिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मोलारिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे. सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मोलारिटी. हेडिंग लगाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट यूनिट ऑफ मोलारिटी. हम लोग को इसका यूनिट क्या लेना है? मोल पर लीटर. और आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं. दिस इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी. अच्छा एक टर्म पूछा जाता है मोलर सॉल्यूशन. तो मोलर सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी देन फर्स्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी then such solution is called molar solution. वैसे solution को हम लोग molar solution कहेंगे. अगर हम solution के concentration को molarity से कर देते हैं बच्चों, अगर कहीं एम बाई टू सोल्यूशन लिखा हो इसको हम लोग करेंगे सेमी मोलर सोल्यूशन. इन सारे टर्म्स का मतलब समझना है हम लोग. एम बाई टू इट इज नोन एज सेमी मोलर सोल्यूशन. अगर कहीं लिखा हो एम बाई टेन सोल्यूशन, अरे इनफैक्ट इट मीन्स दैट वी सॉल्व डेसी मोलर सोल्यूशन. अगर कहीं लिखा हो m बाई हंड्रेड, हम लोग इसका क्या मीनिंग समझेंगे? सेंटीमोलर सॉल्यूशन. m अपॉन थाउजेंड, बट इट मीन्स मिलीमोलर सॉल्यूशन. जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये वर्ड सब आपको मिलेंगे मिलीमोलर सॉल्यूशन. जैसे ही मिलीमोलर सॉल्यूशन अगर न्यूमेरिकल में हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए m बाई थाउजेंड, m बाई थाउजेंड. सेंटीमोलर m बाई हंड्रेड, डेसीमोलर m बाई टेन, सेमीमोलर m बाई टू. इन सारे टर्म्स का मतलब आपको ध्यान में रखना है. बच्चों सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इसलिए मोलारिटी इज नॉट ए गुड यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. सो It is not a good unit for concentration of solution. ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो मोलारिटी का फॉर्मूला मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं, एम बी अपॉन वी. देखो मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म है,
जब टेम्परेचर के और टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप होता है, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं मोलारिटी का अच्छा यूनिट है सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का? नहीं, क्योंकि मोलारिटी का वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज कर जा रहा है। देयरफॉर मोलारिटी इज नॉट ए गुड यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको क्या जवाब देना है, बिकॉज मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सो मोलारिटी इज नॉट ए गुड यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एनवी से। इसका निकालने का फॉर्मूला है एम इंटू वी इन लीटर। अगर आपको सोल्यूशन का मोलारिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो आप सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। यहां वॉल्यूम लीटर में लेना है। इसका एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होगा, एम इंटू में बी अपॉन 1000। यहां वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में लेना है। तो जब भी आपसे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करने के लिए कहे, तो आपको ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एम इंटू में बी, एम इंटू में बी। देखिए अलग अलग यूनिट है, यहां लीटर है, यहां क्या है मिलीलीटर। कैसे फॉर्मूला लगा, इसको हम यहां समझते हैं, ये फॉर्मूला कहां से आया बच्चों। अभी मैंने आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था, एम इज इक्वल टू क्या बताया था, एनवी अपॉन वी इन लीटर। यहां से अगर मैं एनवी निकालूंगा, एनवी व्हाट, एनवी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो यहां वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, इधर आके इसमें इधर ये मल्टीप्लाई होगा, एम इंटू में वी इन लीटर। एक फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, एनवी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एम इंटू वी इन लीटर। अगर मैं इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करूंगा तो हो जाएगा एम इंटू वी अपॉन 1000 इन मिलीलीटर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों फॉर्मूला कहां से आया है, मोलारिटी के फॉर्मूला से ही हमने इसको डिराइव किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया है उसको मिली मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला में अगर हम यहां 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, मोल को मिली मोल में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या होगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला आएगा एम इंटू में वी, एम इंटू वी इन मिलीलीटर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मोलारिटी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको आज बता रहा हूं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है एम इंटू एम बी। बच्चों यहां एम बी क्या है, बी मैं आपको बता चुका हूं मोलर मास सॉल्यूट के, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है बी, एम बी रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस एम रिप्रेजेंट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप सोल्यूशन का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का यूनिट बच्चों ध्यान में रखना है ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। तो अगर आपको मोलारिटी पता है, सॉल्यूट पता है, आप उस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों इसी में एक और फॉर्मूला आता है डायल्यूशन लॉ। ये लॉ क्या कहता है, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, एम वन वी वन। देखो अगर हम मोलारिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम हमारा मिली लीटर में है तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन दोनों सेम होता है। आप इसको मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मिली मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट
आफ्टर डाइल्यूशन सब सेम होता है। दिस लॉ इज नॉन एज डाइल्यूशन लॉ। बच्चों इस लॉ को मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसका मोलरिटी हमको पता है। द मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज, सपोज कर लेते हैं इसका मोलरिटी 4 एम है और इसका वॉल्यूम जो है ये 400 मिलीलीटर है। एक सोल्यूशन है किसी भी कंपाउंड का, मान लो ये इसका एक सोल्यूशन है, ये इस सोल्यूशन का मोलरिटी पता है हमको, वॉल्यूम पता है। अगर मैं इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं, डाइल्यूट मीन्स हम इसमें अगर वाटर ऐड करते हैं तो क्या हो, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वाटर ऐड करने के बाद सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम को मैं बढ़ा दे रहा हूं। अभी वॉल्यूम 400 है, मान लेते हैं वॉल्यूम 800 हो गया। जब हम डाइल्यूट करेंगे, जब इसमें वाटर मिलाएंगे सोल्यूशन में, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलरिटी पर क्या असर पड़ेगा, आप पढ़े हो एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एन डी अपॉन डी। बच्चों जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी जो है घटेगा, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो सपोज करो कि इसका मोलरिटी घट के हो गया 2m। देखो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलरिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेकिन क्या बच्चों अगर इस दोनों सोल्यूशन का अगर नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाले, इस सोल्यूशन का नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एम इंटू में वी इन मिलीलीटर। क्या मोलरिटी है इसका, 4 × 400 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1600 मिलीमोल्स। चलो इस सोल्यूशन का हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्या फॉर्मूला है, एम इंटू में वी इन मिलीलीटर। एम हमको पता है यहां 2m, वॉल्यूम यहां है 800 एंड देयरफॉर 1600 मिलीमोल। बच्चों देखो सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करते हैं, ध्यान देना है, सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, 400 से 800 हो गया। मोलारिटी चेंज हो जा रहा है, 4m से मोलारिटी 2m हो गया। लेकिन नंबर ऑफ मिलीमोल्स या नंबर ऑफ मोल्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो हमेशा सेम होगा। देखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स यहां भी 1600, नंबर ऑफ मिलीमोल्स यहां भी 1600। नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, एम इंटू वी। सपोज करो ये m1 है, ये v1 है, ये m2 है, ये v2 है। देखो m1 v1 इसका भी वैल्यू सेम, m2 v2 इसका भी वैल्यू सेम। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इज रिमेन सेम, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन लॉ। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। क्लियर। यहां पे अगर मैं इसको मिलीमोल्स को मैं मोल में भी चेंज कर दूं, मिलीमोल्स को मोल में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया है, 1000 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 1.6 मोल। यहां भी 1000 से डिवाइड कीजिए, 1.6 मोल। डाइल्यूशन लॉ यही कहता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बोथ विल बी इक्वल। या आप इसको दूसरे ढंग से कैसे एक्सप्रेस करोगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बोथ विल बी इक्वल। दिस इज नोन एज डाइल्यूशन लॉ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मोलारिटी से रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस को आज देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, then find the molarity of the solution।
ये मोरालिटी से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मोरालिटी का एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मोरालिटी होता क्या है, एनबी अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां मोल हम लोग लीटर में लेना है, इन लीटर हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, वॉल्यूम को लीटर में निकाल लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, मोलरिटी आ जाएगा। यहां हमारा सॉल्यूट 49 ग्राम दिया हुआ है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, हम इसका मोल निकाल लेते हैं। हमारा H2SO4 यहां सॉल्यूट है, सॉल्यूट के लिए सिंबल हम लोग Nb यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, N इक्वल टू W अपॉन M, W यहां गिवन में दिया हुआ है 49 ग्राम, मोलर मास निकालिए H2SO4 का, हमने एनबी को फाइंड आउट कर लिया। आपको इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना मिलीलीटर दिया हुआ है, वी इक्वल टू 500 ml, लेकिन फॉर्मूला में वॉल्यूम लीटर में लेना है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे, 500/1000 कैंसिल कीजिए, 1/2 liter। देखो हमको एनबी भी पता हो गया, वॉल्यूम भी पता हो गया, देन कैलकुलेट मोरालिटी, एनबी अपॉन बी, एनबी का वैल्यू 1/2 mole / 1/2 liter, बच्चों सारा टर्म्स कैंसिल हो गया, 1 mole/liter, आप इसको 1 m भी लिख सकते हो। क्वालिटी एरर मैं आपको बताया हूं, मोल पर लीटर या आप m भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 25 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंटिंग 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ the density of solution is 1 gram/ml. इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता नहीं है, सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है 500 ग्राम, लेकिन फॉर्मूला में तो हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मिलीलीटर, हमको यहां सॉल्यूशन का वेट पता है। देखो बच्चों वेट दिया हुआ है तो डेंसिटी भी दिया हुआ है, आप लोग तो ये जानते होंगे ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑन वॉल्यूम। इस फॉर्मूला से आपको वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 gram/ml, मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 gram/volume, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो आप यहां से अगर वॉल्यूम निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 500 ml। बच्चों आपको वॉल्यूम पता हो गया, आप तुरंत वॉल्यूम को लीटर में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड कर लेना, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 liter। हमको वॉल्यूम पता हो गया, अब हमको क्या निकाल लेना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, देखो 25 ग्राम NaOH है, ये हमारा सॉल्यूट है, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, W अपॉन M, W 25, NaOH का मोलर मास निकालो 25/40, 5/8 mole। हमको एनबी भी पता हो गया, वॉल्यूम भी पता हो गया, देन अप्लाई द फॉर्मूला, एनबी अपॉन वी इन लीटर, एनबी का वैल्यू 5/8 mole अपॉन वॉल्यूम इज 1/2 liter, तो ये क्या हो जाएगा, 5/8 × 2/1 mole/liter, 4 से 1 को डिवाइड कर लो, 1.25 mole/liter, और हम इसको 1.25 ml लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ एनियन प्रेजेंटिन 250 ml ऑफ 5 m 0.5 m NaOH solution. बच्चों इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स फाइंड आउट करना है. आपको इसमें NaOH सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दिया है, NaOH सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे दिया है 250 ml ऑफ 0.5 n NaOH सॉल्यूशन. यहां मोलारिटी आपको पता है NaOH 0.5 है, वॉल्यूम भी पता है. आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. क्या फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है. फॉर्मूला क्या था? m into v. यहाँ वॉल्यूम लीटर में है, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो आप मिलीलीटर का फॉर्मूला लगाओ. m into में v in मिलीलीटर अपॉन 1000. मैं आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया हूं. अब आपको करना क्या है, m का वैल्यू डालना है. 0.5 into वॉल्यूम यहां दिया हुआ है, वॉल्यूम है 250 अपॉन 1000. आप इसको कैंसिल करो, 0.125 मोल. इस सॉल्यूशन में एनएच का नंबर ऑफ मोल्स होगा 0.125 मोल. बच्चों इस क्वेश्चन में मोल भी निकालना है, मिली मोल्स भी. मोल्स को मिली मोल्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए. 0.125 इंटू 1000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 125 मिली मोल्स. इस तरह से हम लोग मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml of solution, then find the strength of solution. जब मैं आपको मोरालिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा था उस समय मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने का भी एक फॉर्मूला बताया है. क्या फॉर्मूला था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने का? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जिसका यूनिट मैंने आपको बताया था ग्राम पर लीटर, इसका निकालने का फॉर्मूला है m into mv. आपको सॉल्यूशन का मोलारिटी पता होना चाहिए और सॉल्यूट का मोलर मास पता होना चाहिए. दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया जा सकता है. लेकिन इस क्वेश्चन में मोलारिटी आपको पता नहीं है, तो आपको मोलारिटी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. मोलारिटी कैसे निकालते हैं? मोलारिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, Nv अपॉन V इन लीटर. हमको Nv पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए. वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 मिलीलीटर. आप इसको लीटर में चेंज करो, 1000 से डिवाइड करो, 1/4 लीटर. मोल कैसे निकलेगा? इन निकालने का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन m. यहां सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम. इसका मोलर मास निकाल लीजिए, 23 प्लस 16 प्लस 1. सो 10 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, 1/4 मोल. देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू Nv अपॉन V. Nv का वैल्यू आ गया 1/4 मोल अपॉन, वॉल्यूम भी हमको पता है 1/4 लीटर. सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, 1 mole per liter. 1 mole per liter इज द मोलारिटी. बच्चों हमको मोलारिटी पता हो गया. अब हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं. मोलारिटी का वैल्यू 1 m है. आपको मोलर मास निकाल लेना है सॉल्यूट का. सॉल्यूट का एम बी मोलर मास क्या होगा NaOH का? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 40 ग्राम. Therefore, strength of solution is equal to m into mv. m का वैल्यू यहां आपको पता है 1,
किंतु एमडी का वैल्यू हमको पता है 40 एंड देयरफॉर 40 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से हम लोग मोरलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू प्रिपेयर ए सेंटीमोलर सोल्यूशन फ्रॉम 500 ml of जीरो पॉइंट फाइव एम एन एम एस। हमको इस सोल्यूशन को सेंटीमोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। 500 ml of 0.5 mmol सॉल्यूशन को उनको कन्वर्ट करना है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो बच्चों यहां आपको वाटर ऐड करना है। मैं आपको डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया था, डाइल्यूशन लॉ में वाटर ऐड करके सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मोलैरिटी को चेंज किया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज नहीं करता है। तो आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था m1 v1 = m2 v2। यहां m1 हमको पता है 0.5, वॉल्यूम भी हमको पता है 500। हमको m2 फाइंड आउट करना है। m2 क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। बच्चों एक टर्म मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, सेंटीमोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब है m/100। m/100 को मैं लिख सकता हूं 0.01 m। ये आपको ध्यान में रखना है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए 0.01। तो यहां m2 का वैल्यू हमको लेना है 0.01 और वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से। तो यहां से अगर हम v2 निकालेंगे 0.5 × 500/0.01। सॉल्व कीजिए इसको, यहां से डेसिमल गया ऊपर 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, V2 का वैल्यू हो गया 25,000 ml। बच्चों हमको V1 पता है, V1 हमको पता है 500 ml। जब हम सेंटीमोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया वो 25,000 ml आ गया। अब हमको बताओ कितना वाटर उसमें ऐड किया गया होगा। वाटर एडेड अगर हमको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड किया जाएगा, तो हम लोग V2 - V1 करेंगे। V2 का वैल्यू हमको पता होगा 25,000 ml, माइनस V1 का वैल्यू पता है 500 ml, माइनस कर लीजिए इसको 24,500 ml। ये मिलीलीटर में आ गया, अगर आप इसे लीटर में निकालना चाहते हैं 1000 से डिवाइड कर लीजिए 24.5 लीटर। इतना वाटर ऐड करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, तब जाके आपको 100 सेंटीमोलर सॉल्यूशन जो है इसका आपको तैयार होगा। इस तरह से बच्चों हम लोग मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अगले क्लास में मैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ओके।